यूपी कैबिनेट की अगली बैठक चंदौली में होगी, तो आपको बता दें कि जल्द ही ये कहीं ना कहीं इसको लेकर चीजें सामने आ जाएंगी। तो चंदौली में कैबिनेट की जो तारीख है वो जल्द तय होगी ये कहा जा रहा है। तो होली के बाद चंदौली में अगली जो कैबिनेट की बैठक होगी वो हो सकती है, तो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। मंगलवार को लखनऊ में कैबिनेट की बैठक नहीं होगी, दूसरी बार लखनऊ से बाहर यूपी कैबिनेट की बैठक बताई जा रही है। बता दें कि पहली बार प्रयागराज में कुंभ के दौरान कैबिनेट की बैठक वहां पर हुई थी, तो अगली बैठक चंदौली में हो सकती है, पहले प्रयागराज में हुई थी। तो तारीख आखिरकार क्या होगी कहा जा रहा है कि जल्द ही उसका ऐलान किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं यह तय कि होली के बाद ही चंदौली में कैबिनेट की बैठक होने वाली है। तो मंगलवार को जो लखनऊ में कैबिनेट की बैठक होनी थी अब वो बैठक नहीं होगी, लेकिन होली के बाद कैबिनेट की बैठक होगी जो कि लखनऊ में नहीं बल्कि चंदौली में होगी। इससे पहले आपको बता दें कि कुंभ के दौरान प्रयागराज में पहली लखनऊ से बाहर कैबिनेट की बैठक को किया गया था, लेकिन अब चंदौली में कैबिनेट की बैठक होगी होली के बाद। तारीख हालांकि फिलहाल सामने नहीं रखी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कैबिनेट की बैठक को लेकर ये खबर मिल रही है कि जल्द ही चंदौली में कैबिनेट की बैठक होगी, योगी कैबिनेट की बैठक जो चंदौली में होगी, लेकिन कब होगी इसको लेकर फिलहाल देखा जाए तो अभी तारीख का ऐलान यहां पर नहीं किया गया है। और रेजिडेंट एडिटर हरेंद्र चौधरी जी हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। हरेंद्र जी, आखिरकार इसके पीछे की वजह हम यहां पर जानना चाहेंगे और तारीख अनुमान के मुताबिक क्या हो सकती है कैबिनेट की? बिल्कुल, देखिए रितु, योगी कैबिनेट की जो अगली बैठक है वो दूसरी बार लखनऊ से बाहर होना प्रस्तावित है, और पहली बार जब कुंभ का आयोजन हुआ था प्रयागराज में, कुंभ के दौरान योगी कैबिनेट की बैठक जो है लखनऊ से बाहर आयोजित की गई थी, और अब जो चंदौली में जो प्रस्तावित योगी कैबिनेट की बैठक है, हालांकि तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह की जानकारी सामने है, क्योंकि हर मंगलवार को योगी कैबिनेट की बैठक लखनऊ में होती है, लेकिन कल लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक नहीं होगी, तो संभावना इस बात की जताई जा रही है कि होली के बाद जो है योगी कैबिनेट की बैठक चंदौली में हो सकती है। और इसको लेके एक अहम वजह है, चूंकि जनसंघ के जो संस्थापक सदस्य हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनका स्मृति स्थल चंदौली में है, और पिछले दिनों 16 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उनके जो 63 फीट की जो प्रतिमा उसका वहां पे अनावरण किया था, और बीजेपी की तरफ से भी एक अभियान वहां चलाया जा रहा है, अपने सभी विधायकों को वहां पे ट्रेनिंग देने का जो कार्यक्रम है वो प्रस्तावित है। एकात्म मानववाद की जो सोच है दीनदयाल उपाध्याय की, उसको लेकर जो बीजेपी आगे बढ़ रही है, इसी के चलते अब योगी सरकार की तरफ से भी ये फैसला किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सभी मंत्री चंदौली जाएंगे और वहीं विकास के एजेंडे पे आगे बढ़ते हुए जो अहम प्रस्ताव है उनको मंजूरी। यानी कि मकसद कैबिनेट की इस बैठक का, जहां एक तरफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय को याद करना है, तो वहीं कह सकते हैं कि श्रद्धा का संदेश देना भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।